दोस्तों हमारे देश के नेतागणों को अगर गिरगिट गौर से देखे ना तो वो भी कॉम्प्लेक्स खा जाए, ऐसे रंग बदलते हैं कि पूछिए मत। कल तक मोदी जी के मंत्री जिस योजना के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज जब मोदी जी ने खुद उस फैसले से कन्नी काटी, उस फैसले को यूटर्न ले लिया, उस फैसले को वापस ले लिया, तो उस पर भी मोदी जी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, वैसे तो लगातार देश में रेल हादसों का जैसा मजाक बन गया है, लगभग हर दिन रेल हादसों की खबरें आती हैं, बाढ़ आ गई है रेल हादसों की, इतनी रेल हादसे होने लगे हैं कि अब रेल हादसों पर खबर बननी भी कम हो गई है, लेकिन अश्विनी वैष्णव फिर भी रेल मंत्री हैं। लोग पूछते रह गए कि अश्विनी वैष्णव में ऐसा क्या टैलेंट दिखा मोदी जी को कि इतने खराब रेल मंत्री के तौर पर परफॉर्म करने वाले शख्स को दोबारा रेल मंत्री बना दिया। अब समझ आया, कोई टैलेंट दिखा हो ना दिखा हो, पलटने का गजब का टैलेंट है। दोस्तों मोदी जी ने ना बड़ा गलत काम किया, अपनी सरकार बचाने के चक्कर में अपने मंत्री का मजाक बनाकर रख दिया। दोस्तों अश्विनी वैष्णव कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहे थे क्योंकि सरकार पर विपक्ष और उसके अपने लगातार सवाल उठा रहे थे लेटरल एंट्री को लेकर। जिस तरह से 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया कि आइए भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में सीनियर पदों पर काम कीजिए, 3 से 5 साल आप काम कीजिए, आपके प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस हम लेना चाहेंगे। उस वक्त कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पिटिशन आएगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, लेकिन हुआ उसके उल्टा, विपक्ष लगातार लामबंद हो गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को मुद्दा बनाते रहे। अश्विनी वैष्णव ने एक लिस्ट बताई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया हो या फिर रघुराम राजन हो, उसके अलावा भी बहुत से नाम बताए थे उन्होंने, ये सब लेटरल एंट्री की भर्ती है। मतलब ये कि एक तो होता है दोस्तों यूपीएससी पास आउट करके आईएएस बनना, फिर आपको उस हिसाब से आरक्षण के हिसाब से जिसका जितना आरक्षण बनता है उसके हिसाब से आपको सरकार में मंत्रालयों में अलग अलग मंत्रालयों में बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। और एक तरीका होता है जिसमें सरकार सीधे डायरेक्टली इंडस्ट्री से लोगों को उठा लेती है, वो कोई आईएएस कैडर के नहीं होते हैं, उन्होंने कभी यूपीएससी क्लियर नहीं किया होता है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस की वजह से उठा लेती है और बड़े पदों पे बिठा देती है। तो इसे लेकर अश्विनी वैष्णव बकायदा लंबा थोड़ा ट्वीट किया था। देखिए अश्विनी वैष्णव ने लिखा था, कांग्रेस की हिपोक्रेसी का एक जीता जागता प्रमाण है लेटरल एंट्री का मुद्दा। अब इस पूरे के पूरे ट्वीट में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किस तरह से 2005 की यूपीए सरकार के दौरान लेटरल एंट्री को लेकर कदम बढ़ाए गए थे और लगातार यूपीए सरकार इस तरह के फैसले लेती रही है। मनमोहन सरकार, वो तो एनडीए है जिसने इस तरह के लेटरल एंट्री पे ट्रांसपेरेंसी लेकर आया है, मतलब मोदी जी की सरकार इसको पारदर्शी बना रही है, और क्या गजब का मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने लिया है। ये सारी बातें अश्विनी वैष्णव जी कर रहे थे, लेकिन अब जब खुद मोदी जी को उनके सहयोगी आंख दिखाने लगे, चिराग पासवान ने कह दिया हम तो नहीं है जी आपके इस फैसले में, आपके साथ हम तो विरोध करते हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया, केसी त्यागी ने कह दिया कि खामोखा आप राहुल गांधी को चैंपियन क्यों बना रहे हैं इस तरह का फैसला लेकर, तो मोदी जी ने इस फैसले से हाथ खड़े कर दिए। फिर भारत सरकार द्वारा ही एक चिट्ठी सार्वजनिक की गई और ये कहा गया कि मोदी जी तो मतलब इतने बड़े हिमायती हैं समता और सामाजिक न्याय के, आरक्षण के इतने बड़े हिमायती हैं कि ऐसा कोई फैसला मोदी जी ले ही नहीं सकते, इसीलिए हमें फैसला रद्द करते हैं और इस विज्ञापन को भी हम रद्द करने का आदेश देते हैं। अब जैसे ही मोदी सरकार ने यूटर्न लिया तो अश्विनी वैष्णव ने ऐसे चुटकियों में यूटर्न ले लिया। अश्विनी वैष्णव यूटर्न लेते हुए कहते हैं, ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हमेशा ही सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पर विश्वास किया है, उनके हर काम में हर प्रोग्राम में समाज के भलाई की बात है, और इसीलिए लेटरल एंट्री की भर्तियों को लेकर भी जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है वो उनका कमिटमेंट दिखाता है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय को लेकर। वाह अश्विनी जी वाह, क्या गजब का टैलेंट है। कल तक जिस फैसले को आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, आज उस फैसले के पलटने को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, मोदी जी को डिफेंड करने के लिए अश्विनी वैष्णव ने पलटी मारने की इंतहा कर दी। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बात का तो प्रमाण मिल गया कि गठबंधन की राजनीति का मोदी जी को जबरदस्त स्वाद आ रहा होगा। दोस्तों केवल 12 दिन हुए हैं, ओनली 12 डेज, कि मोदी जी को 3 बार अपने लिए फैसले पर पलटना पड़ा। सबसे पहली बार उनको वक्फ बिल जब सरकार लेकर आई, जेपीसी में देना पड़ा,
पहली बार अपने लिए हुए फैसले को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाला मोदी सरकार ने। दूसरी बार याद होगा आपको यूट्यूबर्स पर नकेल कसने के लिए एक ब्रॉडकास्ट बिल ड्राफ्ट किया गया था, तमाम तरह की चिंताएं थी उसे लेकर। मैंने भी आपको कई वीडियोस में दिखाया था कि कौन कौन से तरीके हैं जिस पर हो सकता है कि हम पर एक तरह से लगाम लगा दी जाए। उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस ड्राफ्ट को ही वापस ले लिया सरकार ने और कहा कि अब देखेंगे अक्टूबर में लाते हैं कि नहीं लाते हैं, अक्टूबर में दोबारा से ड्राफ्ट आएगा। और अब देखिए 12 दिन का 13वां दिन हुआ नहीं था, सरकार ने एक बार फिर से अपने लिए हुए फैसले से करीब करीब 72-73 घंटे के अंदर एक तरह से उस पर मतलब रोल बैक कर लिया अपने लिए हुए फैसले की, जिसकी उसी के मंत्री पानी पी पी कर तारीफों पर तारीफ कर रहे थे, उस फैसले को वापस ले लिया। जाहिर सी बात है, अब बात यहाँ पर सरकार की है ना। अब बिहार में अगले साल चुनाव है, चिराग पासवान आपको आंख दिखा रहे हैं, वहाँ नीतीश कुमार नाराज बैठे हुए हैं, तो मोदी जी इस तरह के फैसले लेकर किसी भी तरह से अपनी सरकार को खतरे में थोड़ी डालेंगे। दोस्तों, विपक्षियों और अपने गठबंधन के साथियों के दबाव के आगे 12 दिन में 3 बार झुकना न केवल इस सरकार की छवि को ठेस पहुंचाता है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक तरह से उनके अपने समर्थकों का विश्वास उठाता है। उनके अपने समर्थक जो पिछले 10 सालों में लगभग हर तरह से उनके साथ खड़े रहे, किसी भी हाल में इस तरह के मोदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो अपने ही लिए हुए फैसले पर 3 दिन में यूटर्न ले लेते हैं। दोस्तों, ऑन अ सीरियस नोट, इस बात को मैं लगातार पिछले 2 महीने से कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मोदी जी और अमित शाह जी को बैठना चाहिए और इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि दो काम करें, बीजेपी को एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष दें और एनडीए का एक संयोजक बनाएं। ये जो भी लगातार अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ आ रही हैं, सरकार कोई फैसला लेती है, विपक्ष वाले उनको आंख दिखाते हैं, फिर सरकार रोल बैक करती है, ये सरकार की साख के लिए ठीक नहीं है और हमारे मोदी जी की साख के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहाँ 56 इंच के सीने वाले हमारे मोदी जी बात बात पर अपने लिए हुए फैसले को रोल बैक करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? लोग हंस रहे हैं मोदी जी पर कि मोदी कौन सी 3.2 सरकार लेकर आए हैं जिसमें उन्हें खुद पता नहीं होता कि उनका फैसला 3 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। इसीलिए अगर एनडीए का संयोजक कोई हो जाएगा तो उसका काम ही यही होगा, वो फुल टाइम काम ही यही करेगा कि वो गठबंधन के सहयोगियों से भी बात करेगा, सरकार के बीच और गठबंधन के बीच जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके बीच ब्रिज का काम करेगा। यहाँ बीजेपी के पास फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, अभी तक जेपी नड्डा से काम चलाया जा रहा है, अब नड्डा साहब मंत्री बन गए, वो मंत्रालय संभालेंगे कि पार्टी संभालेंगे? इसीलिए ऑन अ सीरियस नोट, अगर इस तरह की शर्मिंदगी से सरकार को बचना है, इस तरह के बार बार रोल बैक होकर विपक्ष को और मजबूती देने से बचना है जो कि वो कर रही है, तो दो काम सबसे पहले कीजिए मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दीजिए पार्टी को, जो कि आरएसएस भी कह रहा है जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और एनडीए का एक संयोजक नियुक्त कीजिए। कम से कम आपके सहयोगी आपकी छीछा लेदर दुनिया के आगे तो ना करें, बंद कमरे में कर लें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।